और वो निधि तो उल्टे उल्टे भी आरोप लगा रही थी कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, पर पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आई ड्रिंक कर रखी थी। हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, ब्लैनो कार ने हमारी स्कूटी को ठोक दिया था, तो मेरी फ्रेंड उसके नीचे फंस गई थी और मैं बच गई थी। पुलिस की 5 PCR उस रात यहाँ पर एक्टिव थी, लेकिन 13 किलोमीटर तक जहाँ लगातार दो यूटर्न भी उस गाड़ी में फंसी लड़की के साथ में लिए जाते हैं, एक कुत्ते को लड़की दिखाई दे जाती है, लेकिन 5 PCR वैन जो निगरानी पूरे क्षेत्र कर रही थी उनको अद्री नामक जो लड़की है वो दिखाई नहीं देती। लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है, लड़कों ने जानबूझ के इस केस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई, मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। हाँ जी, दिल्ली पुलिस कुछ ना कुछ छुपाने की बात भी है और कुछ शायद निधि के उससे भी छुपाना चाहती हैं। अभी हमें पूरा कन्फर्म नहीं है इस चीज का भी। और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उसी कंझावला रोड पर जहाँ 31 दिसंबर की रात अंजलि नामक लड़कियां जिंदगी दी गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कंझावला का बोर्ड लगा रहा है, यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर लड़कियों को घसीटा जाता है। बताया जा रहा है 13 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में 11,000 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस की 5 PCR उस रात यहाँ पर एक्टिव थी, लेकिन 13 किलोमीटर तक जहाँ लगातार दो यूटर्न भी उस गाड़ी में फंसी हुई लड़की के साथ में लिए जाते हैं, एक कुत्ते को लड़की दिखाई दी जाती है, लेकिन 5 PCR वैन जो निगरानी पूरे क्षेत्र कर रही थी उनको अंजलि नामक जो लड़की है वो दिखाई नहीं देती है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कंझावला से पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के कंझावला में अंजलि नामक लड़की के साथ में 31 दिसंबर की रात जो बर्बरता हुई थी उससे पूरा देश सदमे में है। हम मौजूद हैं अंजलि के घर पर, भी आप पहुंचे हैं, परिजन हमारे साथ में, नहीं जान लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जी, क्या नाम है? अनु। अच्छा अनु जी, उस रात क्या हुआ था, आप बता सकते हैं क्या हुआ था, क्या घटना? बस अंजलि तो अपने घर से 7 बजे गई थी, मम्मी से बोलते है मम्मी मैं काम पे जा रही हूँ और मैं आ जाऊंगी, फिर उसी मम्मी ने 9-10 बजे के बीच में फोन किया था अंजलि पे कि बेटा क्या हुआ, आई नहीं। उसने बोल दिया मम्मी मैं लेट हो जाऊंगी, मैं सुबह के टाइम आ जाऊंगी। पहली बार ही घर से निकली थी? जाती नहीं, वो जाती है जॉब पे तो वो आ जाती है वैसे 11-12 बजे तलक में आ जाती थी, हमेशा आती है लड़की घर पे, और उस दिन नहीं आ पाई थी। फिर उसी मम्मी तो दोनों चिटनियां खराब है तो वो दवाइयां खाती है दीदी, नशे में हो जाती है। तो दीदी ने सुबह के टाइम 7 बजे दीदी पे फोन आता है कंझावला थाने से कि आपकी बेटी एक्सीडेंट हुई है, आप इधर आ जाइए। तो दीदी ने बोला मेरे पास तो गाड़ी वाड़ी नहीं है और ना मेरे घर पे तो बड़ा जेंट्स है, तो दीदी के लिए थाने वालों ने गाड़ी भेजी थी, वो वहां से ले गई। बता जा रहा है एक्सीडेंट जो था वो देर रात में हुआ था। हाँ जी, आप बताए सुबह 7 बजे फोन आया है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बात तो छुपाने का प्रयास कर रही है। हाँ जी, दिल्ली पुलिस कुछ ना कुछ छुपाने की बात भी है और कुछ शायद निधि के उससे भी छुपाना चाहती है। अभी हमें पूरा कन्फर्म नहीं है इस चीज का भी। निधि कौन है, इसका लगातार नाम इसमें आ रहा है इसमें, अभी ये तो सर हमें पता नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड थी या क्या थी, हमने तभी नहीं देखा उसे इस चीज से, तो हमारे बच्चे के साथ ना तभी। निधि कभी आपके घर पे आई पहले? नहीं नहीं, हमारे घर पे नहीं आई है वो इधर, तो ना हमने तभी उसे देखा है बच्चे के साथ हमारी के साथ में। और अब जब उसका खुलासा होता जा रहा है 7 से 8, 6 से 6, 7 और ये अब धीरे धीरे पता नहीं कितनी कितनी टीमें पूरी फील्डिंग के साथ ही बच्ची के साथ हमारी से हुआ है। तो बताया जा रहा है कि कोई झगड़ा उस रात वहां पर उनका आपस में हुआ था जी। अब इस चीज का तो हमें पता नहीं है, बाहर जिस बात के लिए लड़ाई हुई है जिस बात के लिए नहीं हुई है। निधि तो यही बता रही है कि दाढ़ी चाबी वो मुझसे मांग रही थी, और वो निधि तो उल्टे उल्टे भी आरोप लगा रही थी कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, पर पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आई ड्रिंक कर रखी थी, तो और उसमें पोस्टमार्टम में तो आधे से ज्यादा हमारी बच्ची है पार्ट भी नहीं आए पूरी बॉडी में से, तो और अब उस बच्ची के साथ में क्या क्या जरा क्या नहीं जरा ये भी तो नहीं पता ना हमने। जो जो गाड़ी में 5 जने थे उन्होंने भी पूरा खुलासा नहीं कर पा रहे, वो अंदर बंद होने के बाद भी 5 में से सबके बयान अलग अलग है।
अभी चीस्ता दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या छुपाना चाह रही है, क्या खुलासा है ये। आपको क्या लगता है इसमें क्या है? हमें तो पूरी स्वादिष्ट के साथ में सब मिली भगत लग रही है, जितने भी सात जने आ रहे हैं सबके साथ होते बयान अलग अलग ही आ रहे हैं सामने। हालांकि बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले भी कोई एक्सीडेंट अंजलि का हुआ। हाँ, अंजलि का पहले भी हुआ था एक्सीडेंट 6 महीने पहले भी, पर वो बच्ची उससे बाद में बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो तो उसका नाम निकल गया, एक्सीडेंट हुआ कैसे था वो पहले? नहीं, उसमें तो बस दाढ़ी से बता रहे थे, पीछे से टक्कर मारी थी। उसमें भी सफदरजन हॉस्पिटल में ही रही थी, फोन आया था हमारे पास में, तो उसे सर में ज्यादा चोट आई थी उस टाइम पे, तो पर वो ठीक सोच चुकी थी उस टाइम के बाद। तो निधि द्वारा आरोप लगा जाओ पैसे दे कर लेन देन का मामला कुछ आपस में था, इसको लेकर झगड़ा हुआ था। इस चीज के बारे में तो सर पता नहीं है कि किस बात पे पैसों के ऊपर, किस बात पे अंदर लड़ाई हुई थी, किस बात पे बाहर हुई थी, इस चीज का नहीं पता। अच्छा, निधि का एक NDPS एक्ट होता है उसके तहत मामला आ रहा है कि वो गांजा तस्करी करती थी आगरा कैंट से और गिरफ्तार भी हुई थी। इस चीज का सर ये तो हमें पता नहीं है ना, हमारी बच्ची तो नहीं करती थी इस चीज में, और निधि का हम बता नहीं सकते हैं, वो तो अभी 3-4 दिन की बता रहे हैं फ्रेंड बनी हुई थी उसने, इसी चीज में मिले मिले में ही हमारी बच्ची के साथ में इतना बड़ा हादसा करवा दिया, तो हम तो उससे पूरे फाइनल नहीं बता पाए रहे। सरकार से क्या, सरकार का पूर्ण सहयोग पूरा कोऑपरेट आप परिवार को मिल रहा है? अभी तो कोई कोऑपरेट नहीं मिला है अभी तक, तो जितना बोला गया है कि ये सब होएगा 10 लाख उन्होंने केजरीवाल से उससे बोला, अभी तो ये फाइनल नहीं हो पाया हमारे पास। दिल्ली पुलिस का कितना सहयोग मिला है इस पूरे मामले में? पर दिल्ली पुलिस से ये मिल रहा है, पूरी सेफ्टी मिल रही है हमारे पास में अब इस टाइम, जो सेफ्टी मिल रही है, पर जो हमारी बच्ची के साथ में हुआ उस टाइम तो नहीं हो पाया ना जो होना चाहिए था। क्या कोई आपका रंजिश? अभी इसमें तो पूरी पता नहीं है क्या रंजिश रचाई गई है पुलिस वालों की है या क्या है। उस टाइम पे तो हैप्पी न्यू ईयर थी, उससे तो पूरे पे जो जो चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है, उस टाइम क्यों नहीं थी? उस टाइम होनी चाहिए थी ना, और उस टाइम नहीं थी, एक भी पुलिस नहीं थी, और हमें पूरे रास्ते पे भी उधर नहीं पुलिस था तो ही वो नहीं मिली थी। क्या मांग करते हैं आप, क्या बचाते हैं? हमें तो बस अपनी लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। तो उन्होंने बात की, मौजूद थे जो मामा का घर है, अंजलि के मामा घर में थे, यहीं पर वो रहती थी और पिछले काफी समय से इसी स्थान पर वो रह रही थी, और जो उनकी मामी है उनका डायलिसिस का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है, इसको लेकर भी अभी लोग परिजन के गए हुए हैं। अब देखते हैं कि कंजावला केस जो दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, जो दिल्ली पुलिस एक छोटा सा क्रॉसिंग करने पर भी चालान काट देती है, 40 सेकंड की दूरी पर दिल्ली पुलिस की PCR उस गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी, और बलेनो गाड़ी एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाती है, और पूरी घटना से आपको रूबरू कराएंगे। अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, बलेनो कार ने हमारी स्कूटी को ठोक दिया था, तो मेरी फ्रेंड उसके नीचे फंस गई थी और मैं बच गई थी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, कि उस लड़की को मिलना चाहिए, और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन लड़कों को फांसी हो जानी, जैसे उन इतनी बेरहमी से उसको मारा उससे भी बेरहमी से उनकी मौत हो। बस बस बस, और कोई सवाल में? हाँ, फिर मैंने पीछे बैठ के गाड़ी रुकवाई, ब्रेक दे के गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवाने के बाद फिर हम गए आगे जाने के बाद हमने क्या करा, वो गाड़ी आ रही थी ब्लैनो कलर की, गाड़ी आ रही थी ब्राउन कलर की, ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर, मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो, उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी, मैंने कहा ठीक है। दीदी एक चीज मुझे पूछना है, बोलने दो यार, आप ये बताइए, आप बताइए फिर क्या हुआ, बोलने दो यार, बोलो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी ब्लैनो है, तो गाड़ी हम ले लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई,
फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। हाँ। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। हाँ। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी दो बार आगे लेके गई, दो बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई। अच्छा। अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? सवाल ये डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। अच्छा, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता है? बोलो। जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों के बीच में बात को लेकर झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि उस वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा, तो अच्छा। निधि एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ। हाँ। आपने चार लड़कों से बात की थी, वो चार लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी। हाँ। हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे कौन? वो बलेनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो बलेनो वाले नहीं कर रहे थे। वो जो वो के बाहर खड़े थे। हाँ। वो हमसे बात कर रहे थे ऐसे। हमारी लड़ाई। अच्छा। नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। अच्छा। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों की? नहीं, आ जाओ ले, आ जाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ निधि, अच्छा निधि सर धक्का मुक्की नहीं सर, निधि एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हां, उनके पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था। उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था क्या हुआ, उन दोनों के बीच क्या नहीं हुआ, वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस टाइम पे। आपने कुछ बोला था निधि ने ऐसा? हां, अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। अच्छा ठीक है। कितने सालों से जानते हैं? थोड़ा पीछे पीछे भी मुझे अंजलि को थोड़ा पीछे होके कर लीजिए। दिल्ली की सड़कों पर जिस प्रकार अंजलि नामा लड़की के साथ में 31 दिसंबर की रात को वो बर्बरता हुई है, उससे दिल्ली वासियों में रोष आज तक व्याप्त है। हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो ऑटो चलाते हैं। जी क्या नाम है? राजू भैया। राजू जी, इस प्रकार लड़की साथ में दिल्ली की 13 किलोमीटर को छीटा गया है, क्या कहना है? या क्या कहेंगे, गलत तो गलत ही है जी। हाँ गलत है ही, तो अभी तक पता नहीं वो बंदे पकड़े भी गए हैं नहीं पकड़े गए, कुछ नहीं कह सकते। हाँ। दिल्ली पुलिस की हम बात करें। हाँ बोलिए। एक लड़की को दिल्ली यातायात पुलिस जो एक छोटा सा क्रॉसिंग को करने पर, क्रॉस करने पर भी चालान काट देती है, 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है, क्या मान के चलते लापरवाही कहां तक जाती है दिल्ली पुलिस की? भैया ऐसा लगता है जैसे उसका मर्डर करने के बाद उसको घसीटा गया हो। अगर गाड़ी के नीचे कोई भी चीज आती है, आज छोटी सी भी आती है तो इंसान को पता लग जाता है वो तो इतना बड़ा इंसान है। ये आपका ऑटो है, इसके नीचे कुछ फंस जाए तो आपको जानकारी पता लग जाएगा? बिल्कुल पता लगेगा भैया। और 13 किलोमीटर लड़की जो घसीटी गई है, ये साजिश चाहिए तो उन्होंने मर्डर का केस होना चाहिए। हाँ जी।